अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया दिन, नई सुबह हमारा और आपका साथ एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं अपनी रूटीन में लोग आपके साथ शेयर करने वाली होंगी बहुत सारी गपशप, तो आपने जाना के ही नहीं, मेरे साथ रहना आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और न्यू जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम किचन विद अरमान मोम में। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सब पार्ट बने, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब भी आपने जाना के लिए हमारे साथ रहना, वीडियो को मुकम्मल वाच कीजिएगा जी। तो अभी ना मैं बना रही थी खीर, मैंने कहा चलो मैंगो एंड होने वाले हैं सो आज बना लेते हैं मैंगो की खीर। तो जैसे ही फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी ना, तो उसके बाद मैंने राइस को सोक करके रख दिया था, तो अब तक वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। तो घर की क्लीनिंग करने लगी थी, सोचा कि चलो इसको साथ में रख देती हूँ, स्लोली स्लोली ये पकती रहेगी और साथ में मेरे काम जो है वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने राइस को सो करके रख दिया था, अब दूध रात का पड़ा था उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे उसमें बॉयल आया तो मैंने राइस जो है ना हाथ के साथ थोड़े से उनको मसला और फिर मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिए। एक दफ़ा उसको बॉयल आ गया था, अब स्लोली स्लोली वो पकते रहेंगे और मैं बाकी के अपने काम कर लूँगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल जो हैं वो तो ओपन हो ही चुके हैं, सबके घरों में ना एक काम की जो टाइमिंग है ना वो बन जाएगी। अब हर काम वक्त पे हो जाया करेगा और टाइम पे सारे काम जो है वो फिनिश हो जाया करेंगे। अभी मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे वो, ये तो हर बंदे की ज़िंदगी में होता है गोल्डन मेमोरीज़, बचपन के दिन, तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी कि हम लोग जब होते थे ना छोटे, तो हमें जब ये समर वेकेशन स्टार्ट होती थी तो हम लोग पहले से प्लान होता था कि अम्मी के घर नानों के यहाँ जाना है या फिर खाला के यहाँ जाना है। और ये हफ़्ता 10 दिन की बात नहीं होती थी, ये महीनों की बात होती, तो कि महीने आप रहते थे उधर, जब तक वेकेशन रहती थी तो ये उधर ही फैमिलियाँ रहती थी। और बड़ा उस वक़्त ये होता था कि ऐसे जाके रहा जाता था और महीनों रहते थे, और बड़ा फैमिलियों में मोहब्बतें होती थी, प्यार होता था, रिस्पेक्ट होती थी सबकी, और एक दूसरे को जानने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता था। और वो बातें जब अब भी बड़े जो है ना बैठते हैं, जब बातें करते हैं तो वो चीज़ों को खोल के बैठ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। सो बड़े अनमोल से वो दिन होते थे। और जब स्कूल के जो डेज़ थे ना, कि जब ट्यूशन के बाद हमें टाइम मिलता था कि खेलने का, तो गलियों में रश हो जाता था और सब एक दूसरे के साथ खेले होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारी खेले होती थी। और बस सोशल मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं, बस एक चैनल था PTV का, और वो भी सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता था और 10 बजे तक उसका ऑफ हो जाता था, फिर दोपहर में खुलता था 3 बजे और कारी सैयद सदाकत अली की तलावत से वो स्टार्ट होता था और फिर रात 10 बजे तक। और उसमें बच्चों के लिए भी कार्टून एक्टिविटीज़ होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम लग रहे होते थे और बड़ों के लिए भी होते थे और न्यूज़ भी होती थी, तो इतने टाइम में ये सब चीज़ें होती थी। और हमें आज भी याद है कि जब हमारा स्कूल का टाइम, हम रेडी होके खड़े होते थे ना, तो सुबह जो मॉर्निंग शो होता था उसमें एक सेगमेंट होता था बच्चों का, उसमें होता था कार्टून, तो पिंक पेंसिल वाले कार्टून लगते थे उस टाइम, और वो होता था सिर्फ 5 मिनट का सेगमेंट, और उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाते थे और फिर आगे लिख दिया जाता था बाकी हिस्सा कल को। सो इस तरह हम ये सीरीज़ जो है ना कितने दिनों में कम्प्लीट करते थे। और रात में जब 3 बजे के बाद खुलता था वो चैनल PTV का फिर से, तो उसमें एक ऐनक वाला जीन का ड्रामा लगता था। आज भी मुझे याद है कि हम किस तरह एक्साइटेड होते थे कि वो ड्रामा लगना है। तो बस ये थी सिंपल सी सादा सी हमारी लाइफ। और कपड़े बनाने जब ना, तो इतना खुश होना कि जब वो सिल जाने तो उनको कभी पहन के देखना, फिर से उसको रख देना, और बड़ी सादा सी सिंपल सी लाइफ होती थी। खाने बहुत ज़्यादा सादा होते थे, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का दौर है ना, तो किसी के पास इतना टाइम है, अगर हफ्ता 10 दिन के लिए तो बात ही नहीं है कि कहीं जाए। इन केस के अगर चले भी जाएं, 4 दिन होते हैं, तो बस अपने घर की पड़ जाती कि बस अपने घर में जाना है, और किसी के साथ इतना टाइम भी नहीं स्पेंड करते। बस जितना टाइम होता है, बच्चे सोशल मीडिया के साथ ही इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि सोशल मीडिया के साथ ही होता है, फास्ट फूड जो है इसके बगैर गुजारा किसी का नहीं है। तो ये लाइफ जो है ना है भी बहुत बिजी लाइफ है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है, ये कर लें और वो कर लें। बहरहाल वक्त जो भी होता है,
जो भी वक्त हम गुजारें वही बेस्ट है, जिस भी एज ग्रुप में हम हैं ये वक्त हमारी लाइफ में दोबारा से कभी भी नहीं आने वाला। तो जो वक्त हम गुजारें ना, इसको खूब अच्छे तरीके से इंजॉय करें ताकि कल आने वाले वक्त में फिर हम इस वक्त को अच्छी यादों में याद कर सकें। हमारी थॉट्स, हमारी थिंकिंग जो है ना, हमेशा क्लीन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हमेशा हर बंदे के साथ हमारा बिहेवियर जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसी बंदे के साथ भी बात करें, ख्वाह वो बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, किसी के साथ भी आप बात करते हैं ना, तो आपका बात करने का उसके साथ कुछ अंदाज़ इस तरह होना चाहिए कि जिसके साथ आप बात करें वो कहे कि ये बंदा जो है ना मेरे साथ सारी दुनिया से ज़्यादा मुखलस है और प्यार भी मेरे साथ ही करता है। हर बंदे के साथ आपका इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, हुस्ने सलूक होना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा कि मरने के बाद भी, मरना तो ऑब्वियसली ज़िंदगी जितनी भी हो आखिर एक दिन मौत है, तो आप इस तरह की लाइफ गुजारें कि कल मरने के बाद भी आप याद जो है ना यादों में ज़िंदा रह सकें। ये होता है मरने के बाद भी इंसान जो है ना वो ज़िंदा रहता है, तो वो इस तरह रहता है कि अगर आपने अच्छा बिहेवियर रखा होगा, आपकी अच्छी इस दुनिया के साथ यादें वाबस्ता होंगी, इंसानों के साथ आपने अच्छा सलूक किया होगा, तो वो इंसान जो है ना वो आपको बाद में भी अच्छी यादों में याद किया करेंगे। तो वो अपनी जो है ना, आप इस चीज़ को जहन में बिल्कुल भी नहीं लाना, हर बंदे के साथ अच्छा सलूक, हुस्ने सलूक, और हर बंदे को वैल्यू देनी है। ये नहीं कि कोई आपको नहीं बुला रहा, कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं है, बस दरगुजर का मामला करें, अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो आपने बस अपनी तरफ से पूरा ये रखना है कि आपने अपना लहजा, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है ताकि यादें अच्छी हों और खुशियाँ बस बांटनी है। ये आपने दिल में, अपने माइंड में एक चीज़ को ठान लेना है कि आपने ना हमेशा खुशियाँ बांटने वाला बनना है। ये नहीं कि किसी की खुशियाँ नहीं छीनी या किसी के गम नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं हमारी तरफ से पहुँचनी चाहिए। और ये एक नेचुरली चीज़ भी है कि अगर आप किसी को खुशी देते हैं ना या किसी की हेल्प कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको किस कदर खुशी महसूस हो रही होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि जब आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिल में फिर बड़ा आप पुरसकून होते हैं और बड़ी खुशी भी महसूस हो रही होती है। तो बस खुशियाँ बांटनी है, खुशियाँ ही रखनी है, और किसी के साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी। ये चीज़ों का ख्याल रखें ताकि हमारी अच्छी यादें जो है ना, गोल्डन मेमोरीज़ में अच्छी चीज़ें जो है ना वो जाती जाएँ। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में से निकाल के वो उस तरफ फेंक दें। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, छोटी सी ज़िंदगी है, महदूद सी ज़िंदगी है, तो इसमें गम परेशानियों को भी नहीं आने देना। ये चीज़ें बस वक्ती तौर के लिए होती हैं, तो कट ही जाता है सारा कुछ, ज़िंदगी में चलता ही रहता है, ऊँच नीच धूप छाँव तो हर चीज़ आती ही रहती है, ये तो एक ज़िंदगी का पार्ट होता है। तो क्या चीज़ को सवार करके अपने जहन पे रख दें, तो जो भी लम्हा गुजारें इसको अच्छे से हंसी खुशी के साथ गुजारें और बस ज़िंदगी को इंजॉय करें। और अपनी लिमिट्स में रहते हुए, हर फैमिली की अपनी लिमिट्स होती हैं, हर फैमिली के अपने रूल होते हैं, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ को भी गुजारना चाहिए। तो यहाँ पे सोने के बाद हो चुका था टी टाइम, तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बनाती हूँ। अरमान कह रहा था मेरे लिए फ़्राइज़ बनाओ, तो फिर मैंने अरमान और लैबा आमना के लिए फ़्राइज़ भी बना लिए, साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली। और ये ना कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। ओबियसली हर बंदे की अपनी जो एक मेमोरी होती है, जिस तरह उन्होंने बचपन को गुजारा होता है, तो आप ना मेरी एक फैमिली का हिस्सा बन गए हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करना और आपके साथ कुछ शेयर करना। तो जब मेरा कोई सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ता है ना, न्यू सब्सक्राइबर, तो आप यकीन जाने कि ये इतनी मोहब्बत और इतनी रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है ना, कि आपको मेरे साथ मोहब्बत होती है, आप मेरे काम को देखती हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा होता है। बिकॉज़ हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं ना चैनल को, तो यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, और मेरे दिल से दुआ निकल दी होती है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ अपने न्यू आने वाले सब्सक्राइबर को, और उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उस मेरे हर सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में खुशियाँ, मोहब्बतें हों, और कोई भी गम और रंजो गम ना, मेरी हर सब्सक्राइबर की ज़िंदगी खुशियों के साथ बस बढ़ी रहे। तो बस मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर रखे, और हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली हमेशा हस्ती बस्ती, हरियाली हरियाली रहनी चाहिए, खुशियाँ रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए।
यहाँ पे बना लिए थे मैंने फ्राइज़ और चाय भी बन गई थी। और ये था मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।